मैं आचार्य कृष्ण कुमार, पहला स्वरूप विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जहीराबाद। विषय है हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, कक्षा 6। पहला अध्याय है इतिहास जानने के स्रोत। लेकिन सबसे पहले हम ये जानें कि इतिहास क्या है। आपने अपने परदादा परदादी के विषय में कभी सोचा होगा, उनके नाम, उनके रहने सहने की तौर तरीके, उनकी जीवन शैली, इस सब के विषय में यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। तो इतिहास क्या है, बीते हुए समय और उस समय के लोगों के विषय में जानने का एक साधन है, यानी कि बहुत पुराने समय के लोगों के विषय में और उस समय क्या चलन था, क्या हमारे जो है रीति रिवाज थे, इस सब के जानने के विषय में इतिहास का अध्ययन आवश्यक हो जाता है और यही इतिहास है। तो इतिहास में एक समय है, हजारों साल पहले की यदि हम बात करें तो उस समय को कहा जाएगा प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल क्या है, पूर्व पुराना इतिहास काल, बहुत पुराना काल। एक समय था जब मनुष्य को कागज़ का ज्ञान नहीं था, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तो मनुष्य का जो लेखन कार्य है, जो लिखने का काम है, वो कहाँ पर किया जाता था। तो उसे लिखने के हमारे साधन होते थे ताड़पत्रों पर लिखना, आम्र पत्रों पर लिखना, स्तंभों पर लिखना, दीवारों पर लिखना। इन सब पर जो है, जो उस समय के शासक थे वो इन पर अपनी अपनी बातें लिखवाते थे। और इसके अलावा इन सब के हम के पढ़ने पर, इन सब की जानकारी होने पर हमें इतिहास के बारे में पता लगता है। और इसके अलावा मुद्रा और अभिलेख, मुद्रा का मतलब ये है कि उस समय के जो सिक्के थे, मान लीजिए एक सिक्का आपने देखा और उस पर एक घुड़सवार का चित्र बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उस काल में, उस समय में घुड़सवारी लोग करते थे। और ये भी हो सकता है कि उस समय का जो राजा था वो बहुत अच्छी घुड़सवारी करना जानता हो, तो ये भी इतिहास जानने का एक स्रोत हो गया। और जो अभिलेख हैं हमारे, जो अभी बता रहे थे कि दीवारों पर, स्तंभ पर लिखे जाते थे, तो ऐसे अभिलेखों से भी उस समय के रीति रिवाज के विषय में पता चल जाता है। लेकिन उस समय की लिपि इस प्रकार की नहीं थी, इस प्रकार की लिपि भाषा हम आज इस्तेमाल करते हैं। आज हिंदी अंग्रेजी है, आज हिंदी अंग्रेजी में हम लिखते हैं, लेकिन उस समय की भाषाएं और थी। जैसे अशोक के समय में ये चित्र सामने जो ये देख रहे हैं आप, इसका अर्थ होता है गा। तो उस समय के अभिलेखों को, उनकी भाषा जो है वो अलग हुआ करती थी। और इसके अलावा इतिहास जानने के लिए अन्य भी स्रोत हैं, ऐसे भी लोग थे कुछ। ये प्राक इतिहास काल के बाद का विषय बन जाता है कि जब कागज़ का आविष्कार हो गया तो फिर धार्मिक साहित्य भी लिखे गए, और धार्मिक साहित्य में वेद लिखे गए, रामायण लिखी गई, महाभारत लिखी गई। वेद हमारा धार्मिक साहित्य है, धर्म के विषय में बताता है, और रामायण उस समय के समाज के विषय में बताती है, महाभारत भी उस समय के समाज के विषय में बताती है। रामायण किसने लिखी, रामायण के लेखक वाल्मीकि जी हैं, ऋषि वाल्मीकि को रामायण का लेखक माना जाता है, उन्होंने रामायण लिखी है। इधर जो महाभारत है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जो सबसे बड़ा महाकाव्य कहा जाता है, उसके लेखक वेदव्यास हैं, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखा था। ये साहित्य भी उस समय की जानकारी देते हैं। उधर धर्मेतर साहित्य क्या है, जो धर्म के इतर, धर्म के दूसरी ओर, धर्म से भिन्न कुछ साहित्य लिखे गए। जैसे एक अर्थशास्त्र लिखा गया, उस समय की अर्थनीति, उस समय कैसे लोग जो है अपनी व्यवस्थाएं बनाते थे, कैसे धन का उपार्जन होता था, कैसे खर्च होता था, और इस संबंध में एक अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक लिखी गई जिसके लेखक हैं चाणक्य। तो चाणक्य ने उस समय की अर्थनीति के विषय में अर्थशास्त्र लिखा। इधर एक अन्य पुस्तक है राजतरंगिणी जो है वो एक कवि लिखे लेखक हुए हैं कल्लड़ की लिखी हुई
राज तरंगिणी है, जिसमें कश्मीर के विषय में बताया गया है। किस विषय में बताया गया है? कश्मीर के विषय में बताया गया है। उधर एक पुस्तक और थी जो विदेशी यात्रियों के वृतांत के विषय में है। ऐसे भी लोग थे जो विदेशी यात्रियों के विषय में लिखते थे, पुस्तकें लिखते थे। ऐसी एक पुस्तक है इंडिका, जिसके लेखक हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में समाज की झलक कैसी थी, समाज की व्यवस्था कैसी थी, इस विषय में बताया है। एक यात्रा विवरण, विदेशी यात्री भी आते रहते थे। एक फाइयान चीनी यात्री आया था, फाइयान चीनी यात्री गुप्त काल में आया था, उसके विषय में यात्रा विवरण किया है उसका। और इस प्रकार जो इतिहास है, वो इतिहास हमको जो है उस समय की खेती, पशुपालन, कामगार, काम धंधे, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, त्यौहार, मेले और जो है सैन्य व्यवस्था, सेना की व्यवस्था, सुरक्षा के प्रबंध कैसे थे, आचार विचार कैसा था, ज्ञान विज्ञान कैसा था, इस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, इन सब का चित्रण करते हैं। ये सब हमारे इतिहास जानने के स्रोत हैं, ये अध्ययन आज हम अपनी जो है पुस्तक से भी करेंगे।